साल 2020 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर कहर बनकर टूटा है। अभी लोग इरफान खान के निधन की खबर से उभरे भी नहीं थे कि एक्टर ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने बीच रास्ते में ही अपना हाथ छुड़ा लिया। एक के बाद एक इन दो बड़े हादसों ने उनके परिवार वालों और फैंस का दिल बुरी तरह तोड़ दिया है। अमिताभ बच्चन अपने दोस्त और चहेते को स्टार ऋषि के निधन से बुरी तरह टूट गए और ट्वीट किया, वो चला गया, ऋषि कपूर चला गया, अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ, मैं अब टूट चुका हूँ। वहीं रजनीकांत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, हार्ट ब्रोकन, रेस्ट इन पीस माई डियरेस्ट फ्रेंड। मधुर भंडारकर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं इस खबर से बहुत ही सदमे में हूँ। रवीना टंडन ने लिखा, नहीं ये नहीं हो सकता। तापसी पन्नू ने लिखा कि कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा हाथ और दिमाग चल नहीं पा रहे। जॉन अब्राहम ने लिखा, रेस्ट इन पीस सर। तमन्ना भाटिया ने लिखा, विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। परेश रावल ने लिखा, नंब। तापसी पन्नू ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि कोई मुझे कहे कि ये एक सपना था, एक बुरा सपना। हंसिका मोटवानी ने लिखा कि ये सच नहीं हो सकता। ऋचा चड्ढा ने लिखा, 2020 प्लीज जाओ। बता दे कि ऋषि कपूर यूएस में करीब एक साल इलाज करवाने के बाद बीते सितंबर भारत लौटे। फरवरी में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दो बार अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। बुधवार को ही खबर आई कि वे अस्पताल में भर्ती हैं।